कैमरा ऑन, मूंछों पर ताव देता डॉन। क्या मूंछों पर ताव देकर वो खुद की बाहुबली वाली पहचान का इकबालिया बयान देता था? सितार था, उसने अपनी मूंछों को, उसने अपने स्वाभिमान का और अपने गुंडिज्म का सिंबल बना लिया था। वो मूंछें टेता था, उसके बाद हत्याएं होती थी। क्या मूंछों पर ताव देकर वो अपनी रौब और रुतबे का मुजाहिरा करता था? अपराधी था वो, जिसके पास 60 से 65 मुकदमे, किसी से छुपा नहीं, जिसमें 20 से 25 मुकदमे तो केवल हत्या के मुकदमे। उसके बाद अपहरण, फिरौती, जमीन कब्जा करना। बात बात पर बंदूक दिखाने वाला वो माफिया क्या अपनी मूंछों पर ताव देकर दुनिया के सामने कानून को बौना दिखाने की कोशिश करता था? और मुंह से ताव देना उसका एक तरीके से फितरत बन गई थी, आदत बन गई थी, हैबिट बन गई थी। तो वो दूसरों को ये जताने की कोशिश करता था, मुंह से ताव देना उसका बाद में तो उसका स्वभाव बन गया था कि बातचीत में न चाहते हुए भी उसका हाथ मूंछों तक पहुंच जाता था और एक दो बार उसको वो ऐंठता जरूर। क्या मिट्टी में मिल चुके मुख्तार और उसकी कड़क मूंछों की कहानी का कोई कनेक्शन उसके जुर्म की काली दुनिया से जुड़ा है? जो मूंछ पर ताव दे रहे हैं वह झूठ का पुलिंदा है, वह लोगों में दिखावा कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम अभी ऐसे ही तने। सत्य यह है कि उनके दिल से पीछे क्या हो रहा है। मुख्तार की तरह उसके दोनों बेटे मूंछों पर ताव देते रहते हैं। चाहे वो मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी हो या फिर छोटा बेटा उमर अंसारी, दोनों हमेशा मूंछों पर ताव देते दिखाई देते हैं। अगर मेरे लोगों की आन बान शान इज्जत आबरू पे कोई आंच डालने की कोशिश करेगा तो उस आंच को बुझाना हम जानते हैं। आज तक बुझाया है, आगे भी बुझाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। अब्बा मुख्तार की तरह अपनी मूंछों पर ताव देकर मुख्तार के दोनों बेटे लोगों को क्या याद दिलाने की कोशिश करते हैं? सैकड़ों सूरज सिमटाए मेरे खून में, सैकड़ों सूरज सिमटाए मेरे खून में, जिंदगी रोशन चिराग का नुमाइंदा हूं मैं। सैकड़ों सूरज सिमटाए मेरे खून में, जिंदगी रोशन चिराग का नुमाइंदा हूं मैं। और वो समझते थे कि दफन कर देंगे मुझे, आज भी जंजीर की झंकार में जिंदा हूं। सांप का बच्चा सांप ही ना होगा, उसका जैसा उसका उसका बाप था वैसा वो भी होगा। क्योंकि और ये मूंछ पे ताव देने का मतलब कि वो एक आडंबर जो बनाए हुए थे उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं। जवाबदार मूंछों वाला मुख्तार अंसारी अब अतीत बन चुका है। तभी मुख्तार अंसारी के मूंछों की चर्चा मऊ और गाजीपुर के चौक चौराहों और गली मोहल्लों में हुआ करती थी। मुख्तार की मूंछों पर ताव देने वाली तस्वीरें यूपी की इसी विधानसभा में उसकी सियासी भाग की वानगी हुआ करती थी। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी अपनी मूंछों पर ताव देता था तो अपराध की आशंका से देश के 8 सूबे की पुलिस चौकन्ना हो उठती थी। अंडरवर्ल्ड का गढ़ रही माया नगरी मुंबई में भी मुख्तार अंसारी के मूंछों को ताव देने का जिक्र हुआ करता था। मुख्तार को करीब से जानने वाले बताते हैं कि मुख्तार जब भी किसी बड़े क्राइम को अंजाम देता था तो उसे अपने गैंगस्टर वाले रुतबे के साथ जोड़ देता था। अपराध का ब्लूप्रिंट तैयार करके वो ठहाके लगाता था, फिर गैंग के गुरुओं के बीच में ही अपनी मूंछों पर ताव देने लगता था। मूंछों पर ताव देता था वो अपना, आप उसको कह लें कि अपना नंबर बढ़ाने के लिए। उसको ये था कि हमसे बड़ा बादशाह कोई, हमसे बड़ा कोई माफिया यहाँ पूर्वांचल में है नहीं, इसलिए मूंछों पर ताव दिया जाता था। और वो इसलिए भी कि लोग उससे डरे, उसकी मूंछों से डरे। और वो ऐसा चेहरे बनाता था, ऐसी भावभंगिका उसकी रहती थी कि लोग उससे खौफ खाते थे। माफिया मुख्तार अंसारी को जानने वालों के जहन में मूंछों पर ताव देते मुख्तार की तस्वीरें रची बसी होंगी। वो जैसे ही मीडिया के कैमरों के सामने आता था उसकी उंगलियां बरबसी मूंछों पर चली जाती थी। मानो मूंछ पर ताव देने को मुख्तार ने अपना स्टेटस सिंबल बना रखा था।
कर रहा है मेरे ऑफिस का तबाह, दुनिया समझ रही है कैसी खबर। मूछों के साथ साथ हथियारों और शेर व शायरी के शौकीन मुख्तार ने मीडिया के सामने आखिरी बार यही शेर पढ़ा था। 28 दिसंबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए वो प्रयागराज आया हुआ था। पूछताछ के बाद बांदा जेल के लिए रवाना होने से पहले उसने प्रयागराज के सिविल लाइन्स में इस शेर को पढ़ा था। इस शेर को पढ़कर मुख्तार ने अपनी स्थिति को मजबूत बताने का संकेत दिया था। तब मुख्तार ने दुनिया को इशारों ही इशारों में खुद की कश्ती को भंवर में न होने की बात कही थी, लेकिन उसके बचे खुचे दिन भी कानून के भंवर में फंसते चले गए। सलाखों के पीछे मुख्तार अंसारी का न डॉन वाला खौफ रहा और न ही गैंगस्टर वाला रुतबा रहा। मुख्तार अंसारी का पूरा गैंग तबाह हो गया है, या तो सभी गुर्गे बारी बारी एनकाउंटर में ढेर हो गए या फिर गैंगवार में जान गवाते चले गए। जेल की अंधेरी काल कोठरी से खुद मुख्तार की हेकड़ी भी हवा होती गई। जेल की सजा क्या होती है, जेल का सिकंजा कैसे कसता है, पहली बार मुख्तार को यह एहसास हुआ। जॉब और रुतबा तो गया ही, तीन दशकों का सियासी धाक भी खत्म हो गया, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए मुख्तार अंसारी जब भी जेल से बाहर आता था तो वो अपनी मूछों पर ताव देना नहीं भूलता था। ठीक वैसे ही जैसे हाल ही में प्रिजन में बैठा मुख्तार का बेटा अब्बास अपनी मूछों पर ताव देता दिखाई दिया। अब्बास अंसारी मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंचा था। प्रिजन वैन से उतरते ही अब्बास अंसारी ने हूबहू मुख्तार के अंदाज में लोगों को सलाम किया। मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी 10 अप्रैल की शाम कालीबाग कब्रिस्तान पहुंचा। प्रिजन वैन से उतरते अब्बास ने मुख्तार की स्टाइल में सलाम किया, फिर कब्रिस्तान के अंदर गया, वहां 15 मिनट तक फातिहा पढ़ा। अब्बास को मुख्तार ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी एक तरीके से बना दिया, उन्हीं की सीट से वो विधायक भी हुआ, उससे पहले वो दूसरी जगह से लड़ा था। तो अब्बास काफी कुछ अपने फादर को कॉपी करता है और उसी का एक पार्ट है। जैसे सुप्रियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, अब्बास एक अच्छा निशानेबाज रहा, एक नेशनल लेवल तक शूटिंग कॉम्पिटिशन में उसने हिस्सा लिया, पढ़ा लिखा है, लेकिन बावजूद उसके जो पिता वाली छवि है तो उसको वो कॉपी करने की कोशिश करता है। मुख्तार अंसारी की मौत के वक्त से अब्बास अंसारी बार बार ये गुहार लगाता रहा कि उसे मुख्तार को मिट्टी देने का मौका दिया जाए, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद अब्बास को मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत मिल गई। अब्बास को जब कब्रिस्तान लाया गया उस वक्त उसका अंदाज एकदम अलग, एकदम जुदा नजर आया। न सिर्फ उसके चेहरे पर सारे भाव मुख्तार जैसे नजर आ रहे थे, बल्कि अब्बास का एक एक एक्शन मुख्तार से मेल खा रहा था। ये सलाम करने का अंदाज, ये मूछों को ताव देने का तरीका, हूबहू मुख्तार अंसारी जैसा। आपने देखा होगा मुख्तार की शक्ल, उनके बाल छिल गए थे, मूछें रह नहीं गई थी, ये हाल उनका बन गया था। उसके बाद भी इनके लड़के सुधर नहीं रहे हैं, उनको राजनीति करनी चाहिए, एक अच्छे परिवार से आते हैं जिसका एक अपना इतिहास रहा है, तो वो फिर गुंडई की राह पे चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर इसी तरह मूछ पे ताव देते रहेंगे तो शायद इनकी मूछें भी नहीं रहेंगी। अब्बास अंसारी की कोशिश भले ही मुख्तार जैसे रौब और रुआब को बरकरार रखने की रही हो, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। कभी सरकार और सिस्टम को अपने इशारों पर नचाने वाले अंसारी परिवार की हनक अब हवा हो गई है। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था, और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी, उसकी पैठ गीली हो गई थी।
और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं अब्बास का रौब उस वक्त बेबसी में बदल गया जब जेल वापसी के वक्त उसका बेटा रोने लगा। फिर अब्बास ने कैसे अपने बेटे को बहलाया इसे देख लीजिए। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास भी अभी उसकी तरह सलाखों के पीछे है, वो अभी कासगंज जेल में बंद है, लेकिन उसके तेवर भी मुख्तार की तरह नजर आते हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग जानते हैं कि हमारा खानदान हिसाब किताब में बड़ा पुख्ता है। हम लोग देर से ही सही मगर हिसाब किताब बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसा करते हैं कि नस्लें याद रखती हैं इंशाल्लाह। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी भी मुख्तार की तरह मूछे रखने का शौक रखता है। मुख्तार की तरह वो भी दुनिया के सामने मूछों पर ताव देता रहता है। मुख्तार के मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हुई जिसमें उमर मुख्तार की मूछों को आखिरी बार ताव देता दिखाई दिया। डेड बॉडी पड़ी है मुख्तार अंसारी की, उसकी मूछों पर जो ताव दिया जा रहा है। हमारे यहाँ 13 दिन तक लोग शोक में डूबे रहते हैं और खाना पीना सब छूट जाता है, यहाँ मूछों पर ताव दिया जा रहा है, ब्रांडिंग की जा रही है कि साहब अभी हम जिंदा हैं और मुख्तार अंसारी मरे, उनका अश्क मेरे अंदर आ गया है, तो हम वही माफिया हैं और वही गुंडे हैं। अपराध का जो किला था वो ढह गया है, उसको बचाने के लिए मुझ पर ताव दे, मरे हुए मुख्तार के मुझ पर ताव दे चाहे अपने मुझ पर ताव दे, कोई मतलब है नहीं। इनका परिवार का एक एक सदस्य अपराधी है। अब परिवार के एक एक सदस्य का नाम ले लीजिएगा, सबके ऊपर 8 से 10 मुकदमे हैं, इनके लड़कों को तो काफी मुकदमे हैं। तो ये अपराध प्रवृत्ति के पूरा परिवार ही है, अपराधी हैं, तो उसी टाइप के कुछ हरकत कर रहे हैं, मुझ पर ताव देंगे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 65 मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार की बीबी अफशा अंसारी पर 13 केस दर्ज हैं, वो लंबे वक्त से फरार है। बड़े बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे हैं, वो अभी कासगंज जेल में बंद है। छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ भी 6 केस हैं, वो अभी जमानत पर बाहर है। और निखत बानो पर 1 केस दर्ज है, वो अभी जेल से रिहा है। साफ है मुख्तार से सिर्फ मूछों पर ताव देने वाला शौक ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं हुआ है, अपराधों के आरोप भी मुख्तार की अगली पीढ़ी पर हैं। जब आदमी का दिन पूरा हो जाता है तो ऐसी बातें अक्सर करते हैं। सत्ता में बैठे लोग का दिन पूरा हो चुका है, तभी तो मौसम वैज्ञानिक बने बैठे हैं, लोगों की गर्मी और ठंडक नाप रहे हैं। ये भूल गए हैं कि हर 5 साल के बाद किताब जांची जाती है। आपने देखा होगा मुख्तार की शक्ल, उनके बाल छिल गए थे, मूछें रह नहीं गई थी, ये हाल उनका बन गया था। उसके बाद भी इनके लड़के सुधर नहीं रहे हैं, उनको राजनीति करनी चाहिए। एक अच्छे परिवार से आते हैं जिसका एक अपना इतिहास रहा है, तो वो फिर गुंडई की राह पे चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर इसी तरह मूछ पे ताव देते रहेंगे तो शायद इनकी मूछें भी नहीं रहेंगी। मुख्तार अंसारी की आधी उम्र अपराध की दुनिया में गुजरी। 6 फीट से ऊंचे कद वाले इस माफिया का खौफ इतना ज्यादा था कि जब वो गाजीपुर और मऊ की सड़कों पर 786 नंबर की खुली जीप में मूछों पर ताव देते हुए चलता था तो लोग रास्ता बदल देते थे। एक वक्त ऐसा भी रहा जब रौबदार मूछों वाले मुख्तार अंसारी के खौफ के चलते सीबीआई तक ने केस वापस ले लिया था। वो केस बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के हत्याकांड से जुड़ा था। विधायक की पत्नी अलका राय ने मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी, मुन्ना बजरंगी, अताउर रहमान उर्फ बाबू और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उस वक्त कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। दबाव बढ़ा तो सीबीआई ने केस तो अपने हाथ में ले लिया, लेकिन 1 साल बाद मुख्तार एंड कंपनी का दबाव इतना अधिक पड़ गया कि सीबीआई ने केस वापस कर दिया। पिछले करीब 15 साल से मुख्तार देश की अलग अलग जेलों में बंद था। जेल में रहते हुए भी उसने अपने गैंग को इतना ज्यादा बढ़ाया कि दूसरा कोई ऊपर उठ ही नहीं पाया। यहाँ तक कि सियासी दल भी जब पूर्वांचल में अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए बढ़े तो उन्होंने मुख्तार के ही कंधे को चुना।
सियासत की दुनिया में दाखिल होने वाले मुख्तार अपने परिवार का इकलौता मेंबर नहीं था। मुख्तार के पुरखे भी सियासत से जुड़े रहे। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस से जुड़े थे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वो कांग्रेस से जुड़े और 1926-27 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। मुख्तार के दादा भी मूंछें रखते थे। मुख्तार अंसारी के पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे और गाजीपुर की स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे। खुद मुख्तार अंसारी भी 5 बार विधायक रहा। मूंछों को रखने की पारिवारिक परंपरा को उसने भी आगे बढ़ाया। अंतर बस इतना रहा कि मुख्तार के पुरखों का अपराध से कोई नाता नहीं रहा, जबकि मुख्तार अंसारी जुर्म की दुनिया का दुर्दांत अपराधी बन गया। मुख्तार अंसारी के पहले तक परिवार के लोगों के लिए मूछे रखना और उस पर ताव देना आन बान और शान का प्रतीक रहा। लेकिन माफिया बनकर मुख्तार ने अपने पुरखों की मूछों वाली शान और साफ सुथरी पहचान पर बट्टा लगा दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो अपहरण हत्या जैसे अपराधों को अंजाम देकर मुख्तार ने अपने खानदान की मूछें मुड़वा दी। मुख्तार के जो पुरखे थे उनकी जो मूछें थी उनका एक अलग सम्मान था, लेकिन जो मुख्तार था उसने अपनी मूछों को उसने अपने स्वाभिमान का और अपने गुंडिज्म का सिंबल बना लिया था। वो मूछें टेता था, उसके बाद हत्याएं होती थी। तो उसी ढर्रे पे इनके लड़के भी चल रहे हैं। हम हिंदुओं में जब किसी की मौत होती है तो 13 दिन तक हम लोग शोक में रहते हैं। यहाँ डेड बॉडी पड़ी है और डेड बॉडी की भी मूछें मिटाई जा रही हैं। तो ये तो ब्रांडिंग की जा रही है कि ये चले गए, लेकिन अभी भी हमारा जो है गुंडिज्म बना हुआ है, हमारा माफिया राज कायम है। 91 में रणजीत सिंह की हत्या की थी गाजीपुर शहर में। वो इसके विरोधी थे। घर था, घर के ऊपर वो सुबह उठ करके गंगा जल पीपल के वृक्ष पर अर्पित करते थे। बगल में नाला था, वहां इसका शूटर मुख्तार का रहता था रामू मल्ला। उसका दीवार काटी गई और वहीं से मुख्तार और ये दोनों इसके गैंग के लोग थे अताउर रहमान ने टेलीस्कोपिक राइफल से निशाना साधा। गाजीपुर मऊ में लोगों को आज भी वो दौर याद है जब मुख्तार के काफिले में चलने वाली सभी गाड़ियों का नंबर 786 ही रहता था। नंबर की सीरीज कोई भी हो, लेकिन आखिरी नंबर 786 ही हुआ करता था। मुख्तार जो मर गया माफिया था, साइकिल स्टैंड की वसूली करता था। वहां से शुरू हुआ साइकिल स्टैंड की वसूली में। एक सच्चिदानंद राय हरिहरपुर का लड़का था, छात्र नेता था, उससे साइकिल स्टैंड के मामले में कुछ अनबन हो गई, उसकी हत्या इन सबों ने करा दिया, वहीं से इसका मामला वो हुआ। मुख्तार अंसारी की पहचान सिर्फ रौब रुआब और दबंगई के दायरे में महदूद नहीं रही। हत्या अपहरण और फिरौती के लिए कुख्यात इस डॉन का धमकी देने वाला अंदाज भी बाकी माफियाओं से एकदम अलग रहा। इसकी धमकियों का पैटर्न किसी अंडरवर्ल्ड माफिया जैसा था। सत्ता की सरपरस्ती में उसकी हिमाकत इतनी बढ़ चली थी कि कानून के रखवालों पर भी तमंचा तान देता था। मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में था, यहाँ पर 2003 की बात है। उस समय मुख्तार अंसारी यहाँ बंद थे। मुख्तार अंसारी से मुलाकात के लिए कोई व्यक्ति आया था, मैंने उसको रोक दिया था। ये स्वतः आए, इन्होंने उसमें कहा कि इसको ले लीजिएगा। उनको ये मालूम था कि इसके पास पिस्टल भी है। उसकी तलाशी के प्रकरण पर जब अंदर आया, तलाशी का प्रकरण हुआ, तो इन्होंने मुझ पर बिगड़ गए और उनका इसकी तलाशी मत लें। जब मैंने कहा कि मैं जेलर हूँ, तलाशी लूँगा, तब उन्होंने उसी के पास से पिस्टल निकाल ली और मेरे पर लगा दी, मुझ पर तान दी। वो 90 का दशक था जब माफिया मुख्तार जुर्म की दुनिया में अपने पैर जमा रहा था। दबंगे की धुन और गुंडों के साथ ने मुख्तार को माफिया डॉन बना दिया और जयराम की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। मुख्तार अंसारी की माफिया गिरी की कहानी की शुरुआत होती है साल 1988 से। 1988 में ठेके के लिए मंडी परिषद के ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या हो गई और आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर। साल 1991 में वाराणसी में कांग्रेस के नेता अवधेश राय की हत्या हुई थी, जिसके आरोप में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई। 1997 में विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंद किशोर रूंगटा की अपहरण के बाद हत्या हो गई और फिर आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर।
ये घटना हुई थी जनवरी 1997 मुख्तार बन गया था विधायक, और उसके बाद अताउर रहमान नंदू बाबू विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। ये उनके मुख्तार ने इनको भेजा, ये व्यापारी बनकर गया, वाला व्यापारी, उनसे बातचीत किया, बहाने से उनको घर के बाहर निकाला बनारस में, और फिर वहीं से अपहरण कर लिया गया। कहा जाता है 1.5 करोड़ लिया गया, परिवार उनका दौड़ता रहा, पटना बुलाया गया, वहां लिया गया पैसा और कहा गया वहां जाओ फला जगह वहां खड़े रहो, नंदू बाबू आ जाएंगे। नंदू बाबू कभी नहीं आए, पता चला प्रयागराज में झूसी में उनको मारकर फेंक दिया गया। सलाखों के पीछे बंद मुख्तार की दबंगई सत्ता की सरपरस्ती में इतनी मजबूत हुई कि उसने अपने अपराध के साम्राज्य का विस्तार 8 राज्यों तक कर डाला। साल 2005 में मुख्तार जब गाजीपुर जेल में कैद था, तब उसने जेल में बैठे बैठे बीजेपी विधायक कृष्णांत राय की हत्या करा दी। 29 नवंबर 2005 विधायक कृष्णांत राय की गाड़ी पर AK-47 से फायरिंग हुई, 500 राउंड गोलियां चली, कृष्णांत राय के शव से 67 गोलियां निकाली गई। खौफनाक बंजर था, 400-500 राउंड गोलियां चली थी, एक लोगों की बॉडी में 70-70-60 गोलियां निकली थी, तो मंजर तो बहुत भयावह था। सरकार के दम पे अपना ये काम करवाया। और उसकी जो टीस है आप लोग को अभी तक सालती रहती है? बिल्कुल बिल्कुल सालती है। जो कृष्णानंद राय का मर्डर हुआ है जिसमें 500 गोलियां चली थी, उसमें जो मेन शूटर थे उसमें अताउर रहमान बाबू, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, राकेश पांडे, ये तमाम, प्रभुजोत डिम्पी, इसके पास पंजाब के भी कई अच्छे शूटर थे। जिस वक्त गाजीपुर में बीजेपी विधायक कृष्णांत राय पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, उस वक्त जेल में बंद मुख्तार अंसारी गैंगवार का लाइव अपडेट लिया, अपने शूटर अभय सिंह को शूटआउट का पूरा कच्चा चिट्ठा सुना रहा था कि उसके गुर्गों ने कृष्णांत राय की चुटिया काट ली है। गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। ये सुनने में आया। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गाँव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ हाँ, काट ली साल 2002 में कृष्णानंद राय ने माफिया मुख्तार के भाई 5 बार से विधायक अफजाल अंसारी को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से हरा दिया। भाई की सियासी हार मुख्तार को साल रही थी। मुख्तार अंसारी जमानत पर बाहर था, लेकिन अचानक 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार अंसारी ने अपनी जमानत कैंसिल करा ली और वापस जेल चला गया। इसके ठीक 35 दिन बाद बीजेपी विधायक कृष्णांत राय की जघन्य हत्या कर दी गई। दौर ऐसा था कि उस दौर में मुख्तार अंसारी के द्वारा लगभग मोहम्मदाबाद विधानसभा में 43 हत्याएं कराई गई थी। जो भी सक्रिय भाजपा का कार्यकर्ता था उसकी हत्या उसने करवा दी। और एकमात्र कारण कि विधायक, स्वर्गीय विधायक जो मेरे चाचा दीज थे, उन्होंने उनके बड़े भाई को चुनाव में हरा दिया था। केवल यही एकमात्र कारण था और कोई दुश्मनी पहले से नहीं थी, तो ये तरीका ठीक नहीं था। और लगभग 43-44 हत्याएं उस समय 2-3 साल के अंतराल सरकार के सौंपे मुख्तार अंसारी ने करवाए थे। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड का ब्लूप्रिंट तैयार कर वापस जेल इसलिए चला गया ताकि वो मर्डर के आरोप से बच सके। तब हालत ये थी कि मुख्तार के खिलाफ गवाही देने तक की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता था। अगर कोई गवाह बन भी गया तो उसकी रहस्यमय हालत में या तो मौत हो जाती थी या फिर वो गायब हो जाता था। सोमनाथ नाम के लड़के की गोली मार के हत्या कर दी, उस समय अभय सिंह का नाम आया था कि शायद गोली अभय सिंह ने मारी थी, लेकिन किसी ने FIR नहीं कराया डर के मारे, इतना दहशत था उनका। सरकार के बल पे थे, मुकदमे होते भी थे तो मुकदमे हटा लिए जाते थे। गवाहों को भी रास्ते से हटा दिया था, जो एक बार मान लीजिए हिम्मत जुटाता भी था कि चलिए ठीक है अदालत के अंदर हम उसके गुनाहों की गवाही देंगे, उसको रास्ते से हटा दिया जाता था।
निश्चित रूप से स्वर्गीय विधायक जी के मुकदमे में गवाह थे शशिकांत राय, उनको जहर देके मार दिया गया। मनोज गौण हमारे गांव का ही था, उसको जहर देके मार दिया गया। तो तमाम गांवों को मार के, डरा के, धमका के, पैसे के बल पे कुछ को मार दिया, कुछ को अपने पक्ष में कर लिया। जैसे जैसे मुख्तार की हिस्ट्री शीट बढ़ने लगी, मूछों को ताप देने वाले यूपी के इस माफिया की बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव आता गया। जेल से जुर्म की हुकूमत कैसे चलाई जा सकती है, इसका हुनर दुनिया को मुख्तार ने सिखाया। दुनिया को दिखाने के लिए मुख्तार जेल में रहता, लेकिन जेल से उसके काले कारनामे जारी रहे और देखते ही देखते मुख्तार संगठित अपराधों का सरताज बन बैठा। ये वो वक्त था जब मुख्तार को न तो कानून का भय था, न ही सरकार और प्रशासन का डर। तब मुख्तार को क्या पता था कि जेल की जिस कोठरी में बैठकर वो क्राइम की काली स्क्रिप्ट लिखता था, उसी जेल में उसके आखिरी दिन गुजरेंगे। तबीयत खराब होती चली जाएगी और आखिरकार रूह शरीर से जुदा हो जाएगी। कहा जाता है कि एक वक्त था जब मुख्तार के सामने नेता और बड़े बड़े अफसर सिर झुकाए खड़े रहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी माफियागिरी पर न सिर्फ कानून का चाबुक चला, बल्कि मऊ गाजीपुर से अंसारी परिवार का रुतबा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बावजूद इसके, मुख्तार के बाद उसके बेटों की मूछों पर ताव देने की आदत और लोगों के बीच दबंगई वाला अंदाज जस का तस बना हुआ है। खानकाओं से निकल आओ मिसाले शमशीर, सिर्फ तकरीर से बख्शीश नहीं होने वाली। अब ना तो मुख्तार इस दुनिया में है और ना ही मुख्तार अंसारी के नाम का कोई खौफ बचा है। बची है तो माफिया मुख्तार के क्राइम से जुड़ी वो कहानियां जिसमें मुख्तार अंसारी की राजनीति तो उसके अपराध के खतरनाक गठजोड़ का ऑल इन वन कॉम्बो पैकेज शामिल है। इसी कहानी का एक सिरा मुख्तार की मूछ से जुड़ता है, लेकिन कानून की सख्ती के बाद जैसे जैसे शिकंजा कसता गया उसकी मूछ नीचे होती चली गई। मुख्तार अंसारी फैमिली की माफियागिरी पर कानून का चाबुक ऐसे चला कि गाजीपुर और मऊ में धीरे धीरे उसका रुतबा गायब हो गया, लेकिन उसके बेटे अपनी मूछों पर ताव देकर कहीं ना कहीं अपने पिता की जो खौफ की याद है वो लोगों के जहन में जिंदा रखना चाहते।